बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब पढ़ते हैं एक्साइटेशन ऑफ द रॉड्स। सही है, तो रॉड्स की जो एक्साइटेशन होती है वो एक्शन पोटेंशियल की बजाय क्या हो जाती है, हाइपरपोलराइजेशन के थ्रू। हाइपरपोलराइजेशन का मतलब ये है कि डीपोलराइजेशन की बजाय यहाँ पर हाइपरपोलराइजेशन होती थी। जब कार्डिक सेल थी या स्केलेटल सेल थी वहां पर जब एक्शन पोटेंशियल होता था तो वो निगेटिव से शुरू कर जाता था पॉजिटिव के डायरेक्शन में और फिर वापस रिपोलराइजेशन होता था। तो ये निगेटिव के डायरेक्शन में क्यों होता था, क्योंकि इनफ्लक्स ऑफ द सोडियम आयन होता था जिसकी वजह से अंदर से मेम्ब्रेन क्या हो जाता था, पॉजिटिव हो जाता था। सही है, अब एक बात ये हो गई कि ये हाइपर पोलराइजेशन से क्यों होता है, क्योंकि वो इसके अपोजिट होंगे, ये अभी डिस्कस करेंगे। अब जब डार्क कंडीशन होता है, जब डार्क होता है तब ये जो होते हैं ये इनएक्टिवेटेड रहते हैं। कौन से, रॉड सेल्स। रॉड सेल किस तरह इनएक्टिवेटेड रहते हैं, मतलब जिस तरह की स्केलेटल मसल में हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पड़ती है ना उस कंडीशन में, लेकिन जो कार्डिक मसल थी उसमें रेस्टिंग कंडीशन में पोटेंशियल था -70, स्केलेटल मसल में था -80, लेकिन रॉड्स में होती है -40, मतलब उसके मुताबिक ये क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ये क्यों होते हैं, ये आप पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है, ये आउटर सेगमेंट ऑफ द रॉड सेल है, ये इनर सेगमेंट है, ये पिर न्यूक्लियस है, ये सिनेप्टिक बॉडी ऐसी है। अब इनर सेगमेंट में पहले पढ़ते हैं, तो पहले क्या हो जाता है कि यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप रहता है, ऐसे है, जो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करती है 3 सोडियम आयन को आउटसाइड और 2 पोटेशियम आयन को इनसाइड बाय यूजिंग 1 ATP मॉलिक्यूल। सही है, क्योंकि इस तरह बहुत ज्यादा होती है, तो 1 ATP के लिए नेट 1 पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो आउटवर्ड जाता है। सही, एक ये हो गया। दूसरा क्या होता है कि इस इनर सेगमेंट में क्या होता है कि यहाँ पर पोटेशियम लीक्ड चैनल होते हैं। सही है, ये जो होते हैं ये सेलेक्टिव चैनल्स होते हैं और नॉन गेटेड होते हैं, इससे लीकिंग अब तक पोटेशियम होती है आउटसाइड की थ्रू। अब यहां पर अगर हम देखें तो आउटसाइड पर पॉजिटिव आएगा, सही है, और इनसाइड पर क्या गया, नेगेटिव, क्योंकि यहां सोडियम पोटेशियम पंप नेट 1 पॉजिटिव चार्ज आउटफ्लक्स करती है और पोटेशियम के लिए क्या, बहुत सारी आउटफ्लक्स कर देती है। लेकिन बात यह होती है कि रेस्टिंग कंडीशन में इस अपर सेगमेंट में क्या होता है, तो यहाँ पर ये जो गेट्स होते हैं ना इसको बोलते हैं साइक्लिक गवानिन मोनोफॉस्फेट गेटेड चैनल्स या साइक्लिक गवानिन मोनोफॉस्फेट सोडियम चैनल्स। इसके जरिए अंदर की तरफ लीक होते हैं सोडियम आयन्स, अंदर की तरफ जाते हैं। सही है, अब यहाँ पर जो सोडियम आयन बाहर आई थी वो भी अंदर जाती है और दूसरी आयन्स भी जाती है, इसी वजह से अंदर की तरफ क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं और बाहर निगेटिव होते हैं। लेकिन यहाँ पर बाहर पॉजिटिव होता था और अंदर निगेटिव होता था, तो अब नेट इफेक्ट अगर हम देखें दूसरी सेल्स के मुताबिक तो अंदर की तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज है, -70 कार्डिक में था, -80 स्केलेटल में था और यहाँ पर -40 है, मतलब ये कि अंदर की तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उन दो उनके मुताबिक क्या है, डिक्रीज होती है। ये डार्क कंडीशन में तो है, रेस्टिंग कंडीशन में होती है। सही है, तो अंदर की तरफ पॉजिटिविटी इंक्रीज होती है जब रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं। सही है, जबकि स्केलेटल और कार्डिक के मसल के में क्या था, आउटर की तरफ जो होते थे वो पॉजिटिविटी ज्यादा था रेस्टिंग कंडीशन में और इनर की तरफ कम था। अब जब लाइट पड़ जाए इस रॉड सेल पर क्या होता है, ये लाइट क्या कर देता है, रोडोप्सिन के इनएक्टिव पंप को एक्टिव पंप में कन्वर्ट करते थे। एक्टिव पंप को क्या बोलते थे, मीटा रोडोप्सिन 2। सही है, ये वाला फॉर्म था, तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया। सही है, फिर ये जो एक्टिव पंप होता है ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है एक और प्रोटीन को जिसको जो जी प्रोटीन है लेकिन इसका नाम है ट्रांसड्यूसिन। ये ट्रांसड्यूसिन जब एक्टिवेट हो जाता है ये क्या कर देता है, ये इस एंजाइम को एक्टिवेट करता है। इस एंजाइम को बोलते हैं साइक्लिक GMP पासपोर्ट डाइस्टरेज। ये साइक्लिक एंजाइम क्या करता है, ये एक फंक्शन करता है कि ये जो साइक्लिक GMPs होते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं 5' GMPs में, GMPs गवानिन मोनोफॉस्फेट से हैं। अब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जब गवानिन 5' में कन्वर्ट हो जाते हैं तो साइक्लिक गवानिन मोनोफॉस्फेट डिक्रीज, इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाते हैं और 5' के कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। ये जो साइक्लिक GMPs होती थी ये क्या करती थी, इन चैनल्स को ओपन रखती थी। सही है, क्या थी, जो साइक्लिक GMP सोडियम चैनल्स थी ये साइक्लिक GMP क्या करती थी, ओपन रखती थी। जब इसका कंसंट्रेशन हाई होता था तो ये ओपन रखी गई, लेकिन अब इस साइक्लिक GMP पासपोडाइस्टरेज ने इसका कंसंट्रेशन कम किया और इसका ज्यादा किया, जो कि क्या होंगे, अब ये चैनल क्लोज हो जाएंगे। जब ये चैनल क्लोज हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ पॉजिटिव नहीं जाएगा और यहाँ पर जो इनर सेगमेंट है उसमें तो पॉजिटिव चार्जेस आउटवर्ड आते हैं, तो नेट यहाँ पर फिर क्या होगा, और नेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी अंदर। तो ये जो नेगेटिविटी जो ग्राफ होगा वो -40 से नीचे की तरफ जाएगा, कहां तक, -70 और फिर -80 तक। सही है, तो ये जो होता है इसको बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। अब आ जाता है क्या, ड्यूरेशन। ड्यूरेशन में क्या लिखा गया कि ये जो हाइपर पोलराइजेशन होता है ये 0.3 मिलीसेकंड में होता है। सही है, मिली नहीं सिर्फ सेकंड, और फिर ये रिमेन कितने टाइम के लिए रहते हैं, 1 सेकंड के लिए रिमेन रहते हैं। फिर ये कहते हैं अगर वन ओवर मिलियन के लिए ना इस रॉड्स रेटिना में जो रॉड्स है ना उस पर इमेज पड़ जाए तो ये क्या होता है, 1 सेकंड के लिए इमेज को याद रख सकता है। ऐसे ही फिर ये बात करते हैं कि ये जो ड्यूरेशन होता है, ये जो इमेज का फॉर्मेशन होता है, ये कौन से में 4 टाइम्स ज्यादा होता है।
और ये जो पोटेंशियल होता है ये क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं लॉग ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। लॉग क्यों आगे है, क्योंकि लॉग में बहुत ज्यादा रेंज करता है, तो ये 1000 टाइम्स ऑफ इंटेंसिटी के लिए क्या होता है, हमारा एक रिलेशन बन जाता है। अब आगे आ जाता है ये मैकेनिज्म वाला टॉपिक से है, तो ये सेम एज दूसरे है, लेकिन थोड़े थोड़े एडिशनल बातें हैं, तो ये सारे के सारे इसके साथ ये टॉपिक भी रिपीट हो जाएगा। अब आगे ये कहते हैं ना कि अगर रॉड्स के रेटिना पर एक फोटॉन जो कि बहुत स्मॉल यूनिट है वो पड़ जाए तो 1 mV के एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस कर सकता है। इसी है फिर आगे ये कहते हैं कि अगर 30 फोटॉन आ जाए तो वो क्या करते हैं, वो हाफ सेचुरेशन ऑफ द रॉड्स कर देते हैं, जो रेटिना पर है वो उसके हाफ सेचुरेशन करते हैं। तो ये तो बहुत स्मॉल है ना, ये इतना ग्रेट एक्साइटेशन किस तरह करेगा, क्योंकि ये जो रॉड सेल्स होते हैं ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, मिलियन टाइम्स इस जो फोटॉन आ जाते हैं उनका एक्शन पोटेंशियल एम्पलीफाई कर देता है। फिर वही पुराने एक्टिवेशन के बारे में लिखे गए कि पहले क्या होता है, 11 सिस रेटिनल होता है, सही है, ये इनएक्टिव फॉर्म है रोडॉप्सिन की। इस पर जब लाइट पड़ जाए, इस पर लेट से फोटॉन आ गई लाइट पड़ जाए, इसको कन्वर्ट करते हैं किस चीज को, एक्टिव फॉर्म में। एक्टिव फॉर्म में क्या हो जाता है कि ये जो सिस होता है ये ट्रांस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको फिर हम कहते हैं आल ट्रांस रेटिनल से है। फिर ये आल ट्रांस रेटिनल आगे जाकर यही प्रोसेस कर देता है कि जी प्रोटीन्स को एक्टिवेट करे, जिसको ट्रांसड्यूसिन बोलते हैं। फिर वो एक्टिवेट करते हैं एक एंजाइम जिसको बोलते हैं क्या, साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइस्टरेज, जो क्या करते हैं साइक्लिक जीएमपी को कन्वर्ट करते हैं किस चीज में, 5-GMPs में। लेकिन ये जो साइक्लिक जीएमपी क्या करते हैं, ये जाकर इन चैनल्स के साथ अटैच हो जाते थे और इनको ओपन रखते हैं सोडियम के लिए। लेकिन अब इसको कन्वर्ट किया 5-डैश में, तो इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और ये ब्लॉक हो जाएंगे और इस तरह सोडियम जो है वो क्लोज हो जाएंगे और हाइपरपोलराइजेशन हो जाएगा। फिर क्या है कि ये जो सोडियम की फ्लो होता है ये बहुत ज्यादा रैपिड होता है। ये तो क्या होता है कि अगर एक रोडॉप्सिन एक्शन पोटेंशियल के लिए मिलियन ऑफ जी चैनल्स, सॉरी 1000 ऑफ चैनल्स क्लोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, बहुत सारे सोडियम आयंस के इनफ्लक्स को ब्लॉक कर देते हैं। अब फिर क्या कहते हैं कि इन रॉड सेल में एक और एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं रोडॉप्सिन काइनेज। ये क्या करते हैं, ये इस जो एक्टिव फॉर्म रोडॉप्सिन है उसको कन्वर्ट करते हैं किनसे, इनएक्टिव फॉर्म में, और ये साइकिल को रिवर्स कर देते हैं और फिर से क्या हो जाते हैं, ये अपने वापस रेस्टिंग स्टेट में आ जाते हैं और इस तरह सोडियम आयन की इन्फ्लक्स कंटिन्यू हो जाती है वंस अगेन। और एक प्रोटॉन जब ये रोक लेता है तो क्या हो जाता है कि मिलियन ऑफ सोडियम आयन्स के इन्फ्लक्स हो जाते हैं और इस तरह क्या हो जाते हैं, ये वापस अपने रेस्टिंग कंडीशन में चला जाते हैं। अब बात ये है ना कि जो कौनसिल होते हैं वो 30-300 टाइम्स लेस सेंसिटिव होते हैं रॉड से, क्योंकि रॉड जो होते हैं ये डिम लाइट में एक्टिव होते हैं और कौनस के लिए बहुत ज्यादा इंटेंसिटी चाहिए से है, और दूसरी लाइट की ज्यादा इंटेंसिटी चाहिए। और दूसरी बात यह है ना कि सेंसिटिव इसकी कम है, लेकिन इसके बावजूद ये क्या करते हैं, ये कलर विजन हमें देते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस इस जगह में से है। फिर आ जाते हैं फोटोकेमिस्ट्री ऑफ द कलर विजन ऑफ द कॉन्स। पहले बात तो ये है ना कि कॉन्स सेम एज रोडॉप्सिन होता है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस होता है कि जो प्रोटीन्स किस चीज के साथ था, कि जो रॉड्स थे उसमें कौन सा केमिकल प्रोटीन था, स्कूटॉप्सिन था, और यहाँ पर रेटिनल में कहते हैं 11 सिस रेटिनल। कॉन्स में भी यही 11 सिस रेटिनल होता है, लेकिन स्कूटॉप्सिन की बजाय कौन सा एक और प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं फोटोप्सिन, सही है, फोटोप्सिन। लेकिन इस फोटोप्सिन यहाँ तो डार्क एंड व्हाइट, मतलब व्हाइट एंड डार्क एंड व्हाइट होता था, सही है, या जिसको ब्लैक एंड व्हाइट कहते हैं, सही है, सॉरी, ब्लैक एंड व्हाइट देता था। लेकिन इस प्रोटीन की वजह से ये कम्बिनेशन क्या करता है, ये तीन तरह के कलर्स को रिस्पॉन्ड करता है, ब्लू है, रेड है और ग्रीन है। इनके सबके अलग अलग वेवलेंथ है, जो ब्लू है उसका है 445 और 535 और 535 रेड के लिए और 570 ग्रीन के लिए, ये नैनोमीटर इनके वेवलेंथ होते हैं। लेकिन ये जो होते हैं ये अपनी डिफरेंट जगह पर क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर इस तरह सुपर इम्पोज कर देते हैं और ये डिफरेंट कम्बिनेशन मिलकर कुछ और कलर्स भी बनाएंगे। जिस तरह की जब ब्लू और रेड एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाते हैं व्हाइट बना देते हैं, रेड ग्रीन सुपर इम्पोज हो जाते हैं येलो बनाते हैं, और जब येलो और रेड एक दूसरे के साथ फिर सुपर इम्पोज हो जाते हैं तो ऑरेंज कलर बनाते हैं। तो इस तरह ये कलर विजन डिफरेंट कलर को रिस्पॉन्ड करता है। अब एक और बात है कि जो ब्लू के लिए पिगमेंट होता है उसको बोलते हैं ब्लू सेंसिटिव पिगमेंट, रेड के लिए रेड सेंसिटिव पिगमेंट, ग्रीन के लिए ग्रीन सेंसिटिव पिगमेंट, सही है। तो अब दिस वाज फोटोकेमिस्ट्री ऑफ कलर विजन बाय कॉन्स। अल्लाह हाफिज़।